पंकज जी, एके कालीन भैया, क्या घायल शेर लौट आया है? ना सीजन टू के अंत में हमने देखा कि कालीन भैया आप पे गोली चली, फिर कैसे आपको शरद भैया ने बचाया, एंड अब तो मुन्ना भी नहीं रहे, तो ये सारा जो है प्लानिंग जो पूरी बदल गई है, तो आपको आपके बेटे मुन्ना नहीं है, तो ये पावर का जो ड्रास्टिक चेंज है वो कैसे उभर कर आएगा सीजन थ्री में? 5 जुलाई को आएगा देखेंगे तो पता चलेगा कैसे उभर के आ रहा है। उसके लिए राइटर्स को पे किया गया है, हमने पेमेंट लिया वो सब अब देख तो खैर देखिए ऐसे ही आएगा, जैसे इधर से आवाज आई है ना, हाँ वैसे ही उभर के आएगा। अच्छा है, मजेदार है, अच्छी राइटिंग है, राइटरों का क्रेडिट है। ट्रेलर से तो हमको थोड़ी झलक मिल गई कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर आपसे जानते हैं आपके किरदार के बारे में। किरदार के बारे में मुझे लाइनें लिख के दी गई और गुरु ने बोला बोल दो ऐसे, गुरु उधर हैं और बाबा कैमरे पे थे, वहां बैठे हैं हमारे DOP, तो हम तो पपेट हैं कि मास्टर ये लोग हैं, जैसा करवाते हैं करके आ जाते हैं। परमात्मा करवा रहे हैं सब, चलिए ये लोग भी नहीं करवा रहे। ये कठपुतली का खेल हमें बहुत पसंद है पंकज जी, एंड चलिए तो शुक्ला जी, शरद भैया आपसे बात करते हैं। शरद भैया, आपने कालीन भैया की जान बचाई सीजन टू के आखिर में, क्या इस सीजन में आप और कालीन भैया कुछ बड़ा प्लानिंग, बवाल प्लानिंग कर रहे हैं? बहुत ही चुन के आपने सवाल निकाला है, यही एक स्पॉइलर है लेकिन हाँ मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं साथ में, अकेले में, और एक्चुअली इस चीज का जो सार है वो एक लाइन है जो ट्रेलर में भी है कि इस बार पूर्वांचल में वो करवाएंगे जो आज तक उसके इतिहास में नहीं हुआ, तो वो बहुत कुछ एक नयापन है उसमें जो अभी तक हमने नहीं देखा है। अगर हम इन दो किरदारों की भी बात करें तो वो बहुत कुछ एक अलग तरीके से दिखेंगे जैसा हमने अभी तक मिर्जापुर की दुनिया में नहीं देखा है।